बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कितने लोगों का बहाल तो कर रहे, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आप कहाँ से आएगा पैसा? ये तो ये उनकी जवाबदेही नहीं ना है, ये जवाबदेही सरकार की है। अगर सरकार पैसा नहीं दे पाती है, लोगों को तनख्वाह नहीं दे पाती है, तो लोग जो है सरकार का सर तोड़ेंगे। बीजेपी इसमें क्यों चिंता कर रही है? 1,37,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है, जिनका ज्वाइनिंग जो है वो गांधी मैदान में बटेगा, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों मिल करके बांटेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। अब बहस हो रही है बेरोजगारी पर, रोजगार पर, रोजगार देने के सवाल पर। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और इस सरकार ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। अब बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों की बहाली हो रही है उससे क्या तस्वीरें बदल रही हैं? हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बिहार के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी हैं। लंबा समय इन्होंने गुजारा है, जेपी आंदोलन में भी आप रहे हैं, उस वक्त भी बेरोजगारी के खिलाफ ही लड़ाई हुई थी, महंगाई के खिलाफ लड़ाई हुई थी। अब कैसे देख रहे हैं इस महागठबंधन की सरकार में जो तस्वीर बदल रही है? देखिए, हमको जहाँ तक याद है तेजस्वी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और पहले कैबिनेट में हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। बाद में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 लाख लोगों को तो हम सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को के लिए कोई ना कोई रोजगार का जो है हम व्यवस्था करेंगे। और उस पर जिस ढंग से काम हो रहा है, मैंने देश में मैंने नमूना है, ये उदाहरण है ये। और सबसे हंसी इस बात पर आती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2014 में कि हर वर्ष जो है 2 करोड़ नौजवानों को हम काम देंगे। अभी उन्होंने तीन दिन पहले उन्होंने पूरे देश को मिला करके 51,000 लोगों को, नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिया। उसमें बिहार के हिस्से में आया 137 मैंने लोगों को नौकरी मिली प्रधानमंत्री के योजना में। अभी जो है क्या नाम है, बिहार सरकार ने तय किया है, मैंने नियुक्ति हो गई है, 1,37,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है, जिनका ज्वाइनिंग जो है वो गांधी मैदान में बटेगा, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों मिल करके बांटेंगे। और 1,10,000 शिक्षकों का और विज्ञापन भी पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाल दिया। मैंने अभी पिछला जो है 1,35,000 का नियुक्ति पत्र मिला नहीं है, मिलने वाला है 2 तारीख को। और इसी बीच में 1,10,000 की नई नौकरी के लिए विज्ञापन जो है निकल गया। जिस ढंग से बिहार में यानी नौकरी जो है सरकारी नौकरी मिल रही है, देश में कहीं भी इस ढंग से इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति जो है वो नहीं हो रही है। हम जो आपको बताए ये सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है। बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कितने लोगों का बहाल तो कर रहे, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आप कहाँ से आएगा पैसा? ये तो ये उनकी जवाबदेही नहीं ना है, ये जवाबदेही सरकार की है। अगर सरकार पैसा नहीं दे पाती है, लोगों को तनख्वाह नहीं दे पाती है, तो लोग जो है सरकार का सर तोड़ेंगे। बीजेपी इसमें क्यों चिंता कर रही है? बीजेपी ये चिंता करे कि आपका प्रधानमंत्री जो है इतना बड़ा वादा खिलाफ ही का काम किया है, जिन नौजवानों ने मोदी मोदी का नारा लगाया उन नौजवानों को ठगने और धोखा देने का काम किया है, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को सफाई देनी चाहिए। बैठ करके दफ्तर में जो मन की बात सुनते हैं, मैंने देश की जनता के मन की बात कोई सुनने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, ये प्रधानमंत्री का मन का बात सुनते हैं। हॉल में बैठ करके ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने शंकराचार्य वगैरह या उसके पहले के कोई विद्वान या महात्मा गांधी का भाषण हो रहा है, इस ढंग से सुन रहे हैं। ये एक आदमी का जो आधिपत्य है, जो तानाशाही है, कि अगर हमारी तस्वीर जो है मन की बात सुनते हुए नहीं दिखाई देगी तो हमारे ऊपर जो है कल जो है गाज गिरेगा, हम क्या करेंगे, डर के मारे सब लोग सुनता है, ये स्थिति है। तो प्रधानमंत्री का जो 2 करोड़ का वादा था उसमें 137 लोगों को बिहार के हिस्से में आया है, ये देख लीजिए। तो ये 2 करोड़ लोगों का कोटा जो है कैसे पूरा हो रहा है, कब पूरा हो रहा है, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को सफाई देनी चाहिए। बिहार के बारे में जो हमने कहा, सिर्फ शिक्षकों की बहाली जो है इस ढंग से हो रही है, इसके अलावे जो अलग अलग विभागों में नियुक्ति हुई है, पुलिस डिपार्टमेंट हो या बाकी हो, वो अलग हिसाब है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन बहालियों में जो जातिवार जो रिजर्वेशन है वो तो है ही, महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन है। यहाँ तक कि आप देखिएगा पुलिस के सिपाही में महिलाओं की 37% जो है वो बहाली हो रही है। उसका नतीजा जो है साफ दिखाई दे रहा है, जो पुलिस डिपार्टमेंट की पॉलिसी रही है नेशनल लेवल पर कि हर प्रांत में जो पुलिस का स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ में महिलाओं का इतना प्रतिशत होना चाहिए,
वो बिहार जो है पूरा कर रहा है, उससे आगे जो है चला गया है। बिहार में जितने जो रेशियो है मेल और फीमेल का पुलिस में, वो सबसे बेहतर है देश में। और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि पूरे देश भर में आपको, मैंने सॉरी पूरे प्रदेश भर में सुबह सुबह आप जाइए, शाम में जाइए, महिलाएं जो है सड़क पर दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, वो इसके लिए तैयारी कर रही है। ये सामाजिक बदलाव भी इससे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस मामले में बिहार सरकार का आप लगता है कि 2025 तक आप लोग 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे? अभी तक जो दिखाई दे रहा है उसमें मैंने निश्चित रूप से दे देने की उम्मीद है। मान लीजिए रहा बचा रहेगा वो आगे देंगे, लेकिन उम्मीद है कि हम लोग जितना भी टारगेट है उसको हम लोग पूरा कर देंगे। टारगेट पूरा कर देंगे, बिहार के युवाओं के चेहरे पर खुशी दिखेगी। और 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटा जाना है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से, अन्य जिलों में भी कार्यक्रम है, तो समझ सकते हैं आप नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने जो वादा किया था। अब बहस हो रहा है रोजगार पर, बहस हो रही है नौकरी पर, मोदी सरकार वर्सेज बिहार सरकार। शिवानंद तिवारी हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने अपने अनुभवों के हिसाब से बताया है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।